हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे तंगड़ी कबाब की रेसिपी। सबसे पहले हम फर्स्ट मैरिनेशन कर लेंगे। ये मैंने एक बोल में चार चिकन लेग्स के पीसेस ले लिए। उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, दो टीस्पून नींबू का रस, एक टीस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और अच्छे से चिकन के ऊपर लगा देंगे मसाले को, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। ये मैंने एक टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है पैन में। अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून कटा लहसुन डालूंगी, और लहसुन को अच्छी तरह से सौते कर लेना है जब तक उसका कच्चापन नहीं निकल जाता। और आपको जितना तीखा पसंद है उतना कटी हरी मिर्ची ऐड कीजिए। मैंने इसमें 1 कटी हरी मिर्ची ऐड की है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अभी इसमें मैं स्प्रिंग ऑनियन का वाइट पार्ट ऐड कर रही हूँ, चॉप किया हुआ। ये 1 बंच के अनियंस मैंने ऐड किए इसमें, स्प्रिंग अनियन के। और अनियन और गार्लिक को अच्छी तरह से हम भूनने देंगे। ये मैंने 1/2 किलो चिकन ब्रेस्ट का कीमा ले लिया है, अभी वो ऐड कर देंगे इसमें। और कीमे को अच्छी तरह से अनियन और लहसुन के मसाले में सौते कर लेंगे जब तक उसका मॉइस्चर नहीं निकल जाता और वो कुक हो के ऐसा वाइट नहीं हो जाता। इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। नमक डालने से चिकन का मॉइस्चर निकल जाए, अच्छी तरह से बाहर आ जाएगा। टेस्ट के अनुसार हम नमक डाल रहे हैं। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन ऐड किया है अच्छी तरह से फिलिंग बाइंड होने के लिए। अभी चिकन को हम 5-10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर रहे हैं। इसमें मैं 1/2 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आधा टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, अगर वाइट पेपर ना हो तो आप नॉर्मल काली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून सबको अच्छे से सौते कर लेंगे जब तक चिकन का फिलिंग ड्राई नहीं हो जाता और उसका मॉइस्चर सब सूख नहीं जाता। चम्मच की हेल्प से आप बड़े बड़े पीसेस को ऐसे तोड़ लीजिए।
फिलिंग में इजी होता। अभी फिलिंग बन चुकी है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून प्रोसेस चीज़ डाल रही हूँ, 2 से 3 टेबल स्पून जैसा आपको पसंद है। और गरम फिलिंग में ये डालेंगे तो चीज़ अच्छी तरह से उसमें मेल्ट होके मिक्स होगा। अभी ये सेकेंड मैरिनेशन ले रही हूँ एक बोल में। ये 1 कप टंगा हुआ दही ले लिया है, उसमें मैं 1 टेबल स्पून भुने चने का बेसन डाल रही हूँ। ये बाइंडिंग देगा कोटिंग में। 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक, एक टीस्पून हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं 1 टेबल स्पून कच्चा सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ और सबको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए दही के। ये हमारा बाहर का कोटिंग रेडी हो चुका है। अभी हमने जो चिकन मैरिनेट किया था उसको हम इसे स्क्वीज कर लेंगे ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, और फिर जो मैरिनेशन हमने दही का बनाया था उसमें ऐड कर लेंगे। अभी एक एक चिकन लेग के पीसेस को ऐसे स्पेस बना लेंगे अंदर से अंगूठे से, और फिंगर्स की हेल्प से ऐसे जगह बना लेंगे फिलिंग के लिए। सारे पीसेस में ऐसे ही स्पेस बना लेना है। अभी जो चिकन का फिलिंग है उसमें 1 टेबल स्पून स्प्रिंग अनियंस के ग्रीन फाइन चॉप करके ऐड कर रही हूँ, और उसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये चिकन की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन के लेग्स में जो स्पेस बनाया था उधर ये फिलिंग स्टफ कर देंगे अच्छी तरह से दबाते हुए अंदर तक। और सारे लेग्स को ऐसे ही हम स्टफ कर लेंगे चिकन की स्टफिंग से। और फिर जो ओपनिंग्स है उसको हम बंद कर लेंगे ताकि जब हम इसे पका रहे हो तो फिलिंग बाहर ना आए, और हम फिर भरे हुए लेग्स पीसेस को दही के मैरिनेशन में ऐड कर देंगे।
चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे मैरिनेशन में। अभी एक गरम किया है पैन में, हम चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। इसमें ऑयल है तो ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो 1 टेबल स्पून ऑयल डाल सकते हैं। ऐसे ढक्कन लगा के भी हम उसे पका लेंगे। फिर चारों तरफ से पलटते हुए चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और बेस्टिंग के लिए हम बीच बीच में मेल्टेड बटर लगा लेंगे पीसेस में, ताकि वो मॉइस्ट रहे। ब्रश की हेल्प से बहुत इजी रहता है बटर लगाने में। और ढक के चारों तरफ से चिकन को पका लेंगे। ये मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर ली है, जो रेडी चिकन पीसेस है उसको थोड़ा सा तंदूर और स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। एक टोंग की हेल्प से मैं एक एक चिकन पीसेस को चारों तरफ से ऐसे सियर कर लूँगी। थोड़ा सा पक भी जाएगा वो फ्लेम में। ये तंदूर इफेक्ट के लिए सारे पीसेस हम ऐसे ही सेक लेंगे। और इसे मैं सैलेड के साथ सर्व कर दूंगी गर्मा गर्म। अब चाहिए तो हरी चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये हमारा स्टफ तंगड़ी कबाब विदाउट ओवन और तंदूर के रेडी हो चुका है। बिल्कुल डिलीशियस और यम्मी लग रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में।